भैया बताएं कि जो टीम रोटी बैंक के जरिए असहाय दीन दुखी बेसहारा लोगों को प्रतिदिन शाम के समय जो खाना दिया जाता है, क्या कैसे दिया जाता है, क्या है ख्याल, कौन दे रहा है, कौन करा रहा है, ये बताएं पूरी डेट। ये हमारी शुरुआत करीब आज से 8 साल पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो हम लोग घर घर से दो दो रोटियां अखबार में लपेट के लेते थे और यहाँ पर आकर अचार रखकर उस पर कागज पे रख के दे देते थे। ऐसे शुरुआत करते करते फिर हम लोगों ने यहाँ बैठकर पत्तल पे खिलाना चालू किया, फिर स्टील की थालियों में भी हमने इनको परस के खिलाते थे। यहाँ जब से कोरोना काल आया है तब से फिर हम लोगों ने पैकेट की शुरुआत की है। तो कोरोना के काल के बाद से हम लोगों ने पैकेट यहाँ हर रोज़ हम लोग बांटते हैं। 12 महीने हम लोग यहाँ प्रतिदिन शाम को 5-6 बजे हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, मित्र लोग हम सभी, और यहाँ साधु संत असहाय जो भी भूखे हो, हमारा उद्देश्य है कोई भी भूखा ना सोए, उसी उद्देश्य को देखते हुए हम लोग यहाँ प्रतिदिन भोजन कराते हैं। और यहाँ जैसे सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग हैं जो सहयोग करते हैं, जैसे किसी का जन्मदिन है, शादी विवाह की वर्षगांठ है, या पूर्वजों की कोई पुण्यतिथि है, तो वो लोग यहाँ आकर मनाते हैं। खाना वो लोग घर से भी लेके आते हैं, यहाँ हमारे बनवाने की भी सुविधा भी है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ भोजन वितरित करते हैं। ठीक है, महीने में 8-10 लोग ऐसे लोग आते होंगे जो जन्मदिन मनाते होंगे, पुण्यतिथि मनाते होंगे, उसके बाद जो इन लोगों को खाना परोसा जाता है वो कैसे दिया जाता है, स्वयं का पैसा खर्च करते हैं कि चंदा करते हैं, क्या है पूरा? हमारे यहाँ कुछ मित्रों की टीम बनी हुई है। वैसे तो हमारा प्रतिदिन भोजन कहीं ना कहीं से व्यवस्था होती है ईश्वर की कृपा से, लेकिन जिस दिन हम लोगों का खाली रहता है तो हम लोग मिलकर अपनी पॉकेट मनी से यहाँ भोजन कराते हैं। ये रोटी बैंक, मन में ख्याल कैसे आया कि ऐसे दीन दुखियों को लिए, कैसे मन में आकर जागृति हुई कि गणेश मंदिर के बगल से, और नामकरण रोटी बैंक क्यों रखा? ये सोशल मीडिया के माध्यम से कई शहरों में रोटी बैंक संचालित है, तो यहाँ भिंड में भी संचालित करने का ऐसा विचार था। हमारे मित्र लोग भी साथ में थे जो अब जॉब लग गई है, किसी कारणवश बाहर हैं वो, तो अभी हमारे कुछ और जो मित्र अभी यहाँ हैं वो साथ दे रहे हैं, अभी नियमित चल रहा है ये। उद्देश्य हमारा ये था कि ये लोग दर दर भटक रहे हैं, इधर उधर मांगते हैं, इधर उधर ना मांगते हुए सीधे यहाँ आएँ और हम इनको भोजन उपलब्ध कराएँ। यहाँ पर भोजन के अलावा मिठाई, फल, तरह तरह के और भी व्यंजन यहाँ हम लोग इनको देते हैं। इन लोगों को आमंत्रित करते हो प्रतिदिन के, हर रोज शाम को कितना समय रहता है इन लोगों को अपने आप ये मिलते हैं यहाँ? ये ऐसा प्रतिदिन हो रहा है तो इन लोगों को जानकारी भी रहती है और एक दूसरे से खबर मिलती रहती है, तो ये लोग स्वयं ही आते हैं यहाँ, हम लोग भी यहाँ इसी टाइम पे एक टाइम पे उपलब्ध होते हैं तो भोजन भी देते हैं। कितने लोग प्रतिदिन यहाँ एकत्रित होते हैं? करीब 40-50-60 लोग हो जाते हैं डेली यहाँ। मतलब हमारा उद्देश्य कोई जितने भी लोग आए कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाएगा, उनको कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलेगा। मतलब कोई संदेश दोगे जिलेवासियों के लिए? जिलेवासियों के लिए संदेश है कि अपन जन्मदिन या अपने और भी शादी मतलब पार्टी वगैरह करते हैं होटलों में, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अपन इन लोगों के लिए सहयोग करेंगे तो ये आपका जन्मोत्सव बन जाएगा और आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ, आप लोगों को भी यहाँ जन्मदिन मनाने में या विवाह की वर्षगांठ मनाने में। बहुत से लोग पूर्वजों की पुण्यतिथि पर भी यहाँ आते हैं और उनको भी काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है कि हाँ कुछ हम लोगों ने ऐसे लोगों के लिए किया है जिनके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। कितने वर्ष हो गए इसको संचालित हुए? 2016 से ये संचालित है और इसका एक भी दिन की छुट्टी नहीं रहती, दिन हो तो आंधी तूफान आदि कुछ भी हो यहाँ खाना जरूर मिलेगा। जीवन में कभी 8 साल से कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ घटी होंगी कि गैप हुआ होगा या कैसे इसको मैनेज करते हो? ईश्वर की कृपा से अभी तक कोई गैप नहीं हुआ है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने निरंतर यहाँ सेवा की है, पूरे भिंड जिले में हम लोगों ने भोजन वितरित किया, 1-1 हजार पैकेट हम लोगों ने एक दिन में कोरोना काल में भी हम लोगों ने बांटे थे। यहाँ राउंड
भी आए।